हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी और हम कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में हमने इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट के पार्ट फर्स्ट को, इको के दो पेपर होते हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, तो हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 21 से है, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय, लाभ के अनिश्चितता सहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर एफ एच नाइट ने, प्रोफेसर टॉन्जिंग ने, प्रोफेसर वॉर्कर ने और श्रीमती या मिसेस जॉन रॉबिन्स ने। तो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी किसने प्रपाउंड करी? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर एफ एच नाइट ने। किसने प्रपाउंड करी? प्रोफेसर एफ एच नाइट ने। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रपाउंडेंट किसने करी है? प्रोफेसर एफ एच नाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज फर्स्ट ऑप्शन नेशनल इनकम अपॉन टोटल इनकम, ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर थ्री पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फीस एंड पेनल्टीज, ऑप्शन नंबर फोर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। खर्च योग आय का सूत्र क्या है? राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद, व्यक्तित्व आय यानी पर्सनल इनकम में से प्रत्यक्ष कर को फीस और जुर्माने को लेस करने के बाद, या फिर नेशनल इनकम में से नेशनल एनएनपीएफसी में से सब्सिडी यानी सहायता को तो आप ऐड कर दोगे और अप्रत्यक्ष कर को, इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, उसको आप घटा दोगे। तो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम जो होती है उसमें से आप डायरेक्ट टैक्स को लेस कर दो और जितनी भी फीस एंड पेनाल्टीज आपने पे कर दी है वो लेस कर दो, तो ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने 50,000 रुपए की अर्निंग की किसी मंथ में, तो सबसे पहले उसके जो भी जितने भी एक्सपेंसेस हुए रिलेटेड फी से या किसी पेनल्टी से वो लेस कर देगा। उसके बाद जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं उसके डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जितने भी इनकम टैक्स वगैरह वो लेस कर देगा। अब जो सपोज कीजिए यहाँ पे 10,000 रुपए उसके सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस क्या हो गए? लेस हो गए। तो अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम यानी उसको खर्च करने योग्य आय कितनी बची है उसकी? 40,000 रुपीज। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, टैक्सेस लेस करने के बाद, डायरेक्ट टैक्स लेस करने के बाद जो भी इनकम बचती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान या इसमें से अनुदान घटाना है और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है। तो इसका पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है एनएनपी एमपी में से क्या करा हमने, एनएनपी एमपी में से लेस करना है हमें इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को ऐड करना है, तो हमारा क्या निकल के आएगा? एनएनपीएफसी। जो हमारी जीडीपी जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो एनएनपीएफसी पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास मार्केट प्राइस पे, बाजार कीमत पे, अगर उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग लेस कर देंगे और हम लेस कर देंगे ऐड कर देंगे सब्सिडी को, तो ये क्या निकल के आएगा? ये हमारा निकल के आएगा एनएनपीएफसी। क्या निकल के आएगा? एनएनपीएफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज रेशियो ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम।
उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। उपभोग व्यय का कुल आय में अनुपात, उपभोग व्यय का आय में परिवर्तन से अनुपात, उपभोग व्यय में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात, उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल आय में परिवर्तन, यहाँ पर कुल आय में अनुपात। क्या होता है ये एमपीसी, जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। दो तरह की कंजम्पशन निकल के आता है ये एमपीसी और एपीसी। जो कंजम्पशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एपीसी और एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय वाई। यानी हमें कंजम्पशन में डिवाइड लगाना है किसका, इनकम का। किसका डिवाइड लगाना है कंजम्पशन में, इनकम का। तो ये आपका फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय वाई। जबकि एमपीसी यानी मार्जिनल हमेशा चेंज बताता है, तो चेंज का फॉर्मूला होगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। यानी उपभोग में होने वाला परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अगर ये आपसे चेंज सीमांत नहीं पूछता, अगर औसत पूछता, तो इसका फॉर्मूला होता सी डिवाइडेड बाय वाई। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, सिर्फ उपभोग में आय का भाग लगाते हैं, लेकिन जब मार्जिनल की बात करते हैं, जब हम सीमांत की बात करते हैं, तो उसमें हमको चेंज निकालना होता है। तो चेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट गुड मेजर, नॉट अ गुड मेजर टू रेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन नंबर टू, गवर्नमेंट सब्सिडी। ऑप्शन नंबर थ्री, वेजेस कट्स। ऑप्शन नंबर फोर, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्सेस। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार निम्न में से कौन सा उपाय निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने वाला उपाय नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट से कौन कौन सा फैक्टर, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सा फैक्टर चाहिए होता है, आपको पता है ब्याज दर रिलेटेड होता है, सरकारी सब्सिडी अगर रिलेटेड होता है, टैक्सेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन मजदूरी का, वेजेस का इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब एक तरह से कनेक्शन होता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वेजेस कट। यानी इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इंटरेस्ट से भी देख सकते हैं, सब्सिडी अगर मिलेगी तो आप इंटरेस्ट को और करने की, इन्वेस्टमेंट और करने की सोचते हैं, टैक्सेस अगर कम लगते हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन वेजेस और इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये फैक्टर रिलेशन नहीं है वेजेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो वेजेस कट इसका राइट आंसर है। इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ द प्रॉफिट इज हाई देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी जीरो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल राइज, मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल विल बी स्टेबल। लाभ की प्रत्याशा अधिक है तो पूंजी की सीमांत कुशलता शून्य होगी, पूंजी की सीमांत कुशलता घटेगी, पूंजी की सीमांत कुशलता बढ़ेगी, पूंजी की सीमांत कुशलता स्थिर रहेगी। एक चीज इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में हमेशा याद रखने की होती है, जितना ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क उतना ज़्यादा होता है, प्रॉफिट आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी फैक्टर में तो उसके प्रॉफिट आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उसके डूब जाने के, उसके जोखिम के चांसेस भी उतने ज़्यादा रहते हैं। तो मार्ज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्रॉफिट इज हाई, अगर आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी राइज, क्या होगा, अगर आपकी मार्जिन ऑफ एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑलवेज इन द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर टू, फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर थ्री, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लेबर एंड कमोडिटी मार्केट। ऑप्शन नंबर फोर, वेजेस एंड प्राइस आर इनफ्लेक्सिबल। निम्न में से प्रतिष्ठित आय व रोजगार सिद्धांत की मान्यता कौन सी नहीं है, सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति है, बाजार कीमत तंत्र स्वतंत्र है, श्रम व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, और मजदूरी तथा कीमतें अलोचशील है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है मजदूरी और कीमतें जो है अलोचशील है, यानी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, वेजेस में और प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ये अलोचशील होते हैं। द प्रपाउंडर ऑफ द ओवर सेविंग थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज, द प्रपाउंडर ऑफ ओवर सेविंग
थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जे एन हॉब्सन, ऑप्शन नंबर टू जे शुबिंटर, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थ्री ए सी पीगू और ऑप्शन नंबर फोर हटरे व्यवसायिक चक्र के अति बचत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हॉब्सन, शुबिंटर, पीगू और हटरे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है जे ए हॉब्सन। क्या है यहाँ पे जे ए हॉब्सन क्या है यहाँ पे इस थ्योरी के बिजनेस साइकिल की थ्योरी के प्रपाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज कंजम्पशन सेविंग मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज कंजम्पशन सेविंग मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड, ऑप्शन नंबर टू इनकम सेंसस मेथड, ऑप्शन नंबर थ्री प्रोडक्शन सेंसस मेथड, ऑप्शन नंबर फोर सेंसस ऑफ द ऑक्यूपेशन मेथड। निम्न में से किस प्रणाली को राष्ट्रीय आय को मापने की उपभोग बचत नीति कहा गया है? व्यय संगणना रीति को, आय संगणना रीति को, उत्पादन संगणना नीति को या व्यवसाय संगणना नीति को? तो यहाँ पे कंजम्पशन सेविंग मेथड किसे कहा गया है, वो कहा गया है व्यय संगणना रीति को, रीति यानी उस विधि को कहा गया है, किसको? एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड को ही हम कंजम्पशन सेविंग मेथड के नाम से जानते हैं या फिर उपभोग बचत रीति के नाम से जानते हैं। किस मेथड को? एक्सपेंडिचर सेंसस मेथड को ही हम कंजम्पशन सेविंग मेथड या उपभोग बचत रीति के नाम से जानते हैं। इन विच ईयर द बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1756, 1766, 1776 एंड 1786। राष्ट्रों के धन की प्रकृति व कारणों की खोज पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1756 में, 1766 में, 1776 में और 1786 में। In which year the book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, ये book publish हुई है 1776 में। कब publish हुई है ये 1776 book publish हुई है 1776 में, 1776 में। और मैं ये बताऊँ ये book किसने publish की थी, तो ये book publish की थी Adam Smith ने, जो father of economics है। तो क्या book का name है? An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation। कब आई थी ये book? 1776 में। और किसने दी थी ये book? दी थी Adam Smith ने। और वो क्या है? आपके अर्थशास्त्र के जनक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। Thank you so much.